तो ये इली जो है वो इंसेप्ट की लाइफ साइकिल क्या है, इली कहाँ से निकल गई है? कोई भी तितली हो ये इसको तितली बोलते हैं, बराबर जी। ये अंडा, ये इली है, बराबर, ये प्यूपा है। तो कोई भी इंसेक्ट उसके जैसे अपना अपना लाइफ साइकिल क्या है, बाल्यावस्था होता है बचपन, फिर युवा अवस्था होता है युवान, ठीक है ना, लास्ट में जाके बुढ़ापा जाता है। तो इसका चार स्टेज है। ये इल्ली जो है ना वो 18 से 20 दिन तक रहती है, मगर इल्ली है ना सबसे, ये इतना छोटा अंडा जो अपने अपन आँख से भी नहीं दे सकते, उसमें से इल्ली कितनी बड़ी निकलती है, छोटी निकलती होगी ना धागे जैसी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो धागे जैसी इल्ली लास्ट में जाके इसी बड़ी हो जाती है। तो उसको बड़ा होने के लिए उसके ऊपर का जो कवर है ना उसको निकालना पड़ता है बार बार, चार पांच बार निकाल के। देसी में कैचली जिसको, हाँ कैचली, कैचली जैसे सांप सांप भी निकालते हैं कैचली, कैचली निकाल के और छोटी इल्ली इल्ली ज्यादा खाती है और बड़ी इल्ली कम खाती है। बुढ़ापे में आदमी कम खाता है, युवानी में ज्यादा खाता है वही। तो ये अभी गुलाबी इल्ली जो है, अभी आपका सब पोटम निकल गया, ठीक है, तो जैसे ये बोलता है कि मिट्टी में चली गई, मगर गुलाबी इली का थोड़ा फर्क है, मेजोरिटी इली जो है वो मिट्टी में चली जाती है और उसका कोशेटो बन जाता है। कोई बेर के पेड़ पे भी आपको दिखता है, कोई दूसरे खरपतवार जो बॉर्डर पे रहता है उसमें भी कई बार आपको प्यूपा दिखता है, अलग अलग तरह का प्यूपा होता है। गुलाबी इली का मैं आपको बताता हूँ बाद में कि उसका क्या होता है, मगर ये इली लास्ट में आपका कॉटन में थी ना, वो कॉटन निकल गया, कुछ कॉटन के साथ में सीड के अंदर थी वो वहीं पे भी आ गई, ठीक है, वो जिनिंग में चली गई। कुछ जो पुराना क्या बोलते पराठी लकड़ी ना जमीन से, छड़ी, छड़ी नहीं मतलब वो पौधा, पौधा वो पौधा में कुछ कच्चे बोल्स रहते हैं, हाँ हाँ सर, लास्ट में, और कुछ कॉटन रहता है जो अपन पिक नहीं कर पाए या तो कच्चे बोल्स फटते हैं। हाँ जी। तो उसके अंदर जो गुलाबी सुंडी है पिंक बलून, वो कपास की वो किधर जाती है, खाद में जाती है कि बॉर्डर पे वो करके किसान रखते हैं, कहीं पे जमा करके रखते हैं, ढेर लगाते हैं, ढेर में से कुछ जलाते जलाते थोड़ा बहुत कचरा नीचे भी बच जाता है, तो उसी के अंदर ये इली जाती है ना, वो प्यूपा बन के वहां रहती है। जब ही आप कॉटन लगाते हो तो इसको समझ नहीं आता, तब उसको समझ नहीं आता, गुलाबी सुंडी की बात कर रहा हूं, मगर जब पहली बारिश होती है इसके ऊपर या तो पानी लगता है इसको, आप नहर का पानी देते हो या तो बारिश होती है, ज्यादातर बारिश पे वो डिपेंड करता है, बारिश होती है ना तभी ये गुलाबी सुंडी, तब तक वो सुंडी जैसे सोई हुई रहती है, मतलब ये अकेली गुलाबी सुंडी ऐसी है जो प्यूपा में नहीं जाती है, मगर वो खाया पिया बगैर 12 महीने तक जिंदा रह सकती है गुलाबी सुंडी, क्यों कि वो एक ही फसल को खाती है, इसलिए भगवान ने उसको उस तरह से भी कुछ शक्तियां दे के रखी है। जैसे बरसात होता है सुंडी वहां पे सोई हुई है, सुंडी को पता चला या तो पानी टच हुआ उसको पता चला कि भाई अब तो मेरा सीजन आने वाला है, तो ये सुंडी कोसेटो में प्यूपा में चली जाती है। ये प्यूपा में से 15 दिन ही इसके अंदर रह सकती है, तो 20 दिन रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं रह सकती। 15-20 दिन के बाद ये सुंडी प्यूपा में जाके तितली बन के बाहर निकलेगी, ठीक है, तितली बन के बाहर निकली तो इसमें कोई मेल भी सुंडी होगी, कोई फीमेल भी होगी तितली, नर मादा दोनों निकलते हैं ना, तो उसका ये दोनों का मेटिंग होता है और नर जो है मेल वो मर जाता है और मादा जो है वो 15-20 दिन तक जिंदा रहती है और वो 300 से 400 ऐसे अंडे रखती है। गुलाबी सुंडी सिर्फ कॉटन पे ही अंडे रखती है, दूसरे कोई पौधे पे अंडे नहीं रखती। कॉटन का पौधा उसको जिसे दिखा तो वहां पे जाएगी,
और जो पौधे में स्क्वेयर्स है या तो फ्लावर्स है तो पहले वो उसमें अंडे रखेगी। यदि स्क्वेयर्स या फ्लावर्स नहीं मिलते हैं उसको तो वो ऊपर वाले जो पत्ते निकलते ना छोटे छोटे उसके अंदर अंडे रख देती है, मगर पत्ते पे जो अंडे रखती है ना उसमें से सुंडी निकलती है वो जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसको अंदर जाना ही है, बाहर नहीं रह सकती है। घंटे दो घंटे में उसको किधर न किधर अंदर जाना है। इसलिए जैसे पहले शुरू शुरू में कपास में सुंडी दिखती है वो फ्लावर में दिखती है, क्योंकि तब बॉल्स नहीं बने हैं, बॉल्स नहीं बने हैं और तितली ने अंडा अंडे रख दिए तो फ्लावर्स का नीचे का जो स्टिग्मा रहता है या तो फ्लावर्स के अंदर जो पोलन रहता है एंथर वो खाती है। वो एक बार गुलाबी इल्ली वो फ्लावर के को टच करके उसके अंदर रह गई, फिर वो फ्लावर नीचे नहीं गिरता कभी, फिर वो बॉल्स बनेगा ही बनेगा। और बॉल्स बनेगा वो बॉल्स इतना सख्त बनेगा जिसके अंदर गुलाबी सुंडी है वो नरम नहीं होगा, सख्त होगा। तो प्रोटेक्शन उसको ऊपर वाला भी देता है तो वो बॉल्स के अंदर बड़ी 72 डेज तक वो बॉल्स के अंदर रहती है, 72 दिन। एक बार फ्लावरिंग स्टेज पे कॉटन आ गया और इसके अंदर इली चली गई तो 72 दिन के बाद में फिर वो इली यहाँ से बाहर निकल के फिर प्यूपा में जाती है और 15 दिन उसमें रह के फिर नहीं आती है। तो पीछा पिछले वाला जो कॉटन का स्टेज है तब बहुत ज़्यादा इली लगती है, इसलिए कि वो पहले वाली जो बची हुई है वो सब ज़्यादा एक तितली 400 अंडे रखती है। एक तितली भी बन जाए तो 400 बॉल्स को खराब करती है और वो एक साथ में अंडे नहीं रखती, वो एक के बाद एक के ऊपर रखती है, ज़्यादा न मिले तो एक के ऊपर दो भी रखती है। ठीक है, तो ये तितली अंडे रखती है, ये अंडे में से सुंडी निकलती है पत्ती सी, वो अपना कपड़ा बदल बदल के बड़ी होती है तो ये इसको 20 दिन लगता है। अंडा रखने के बाद में वो 8 दिन के बाद में उसको इसमें से इली निकलती है, ये 20 दिन रहता है। 20 दिन के बाद में वो प्यूपा में चली जाती है, प्यूपा में भी 20 दिन लगता है। इसके बाद में वो तितली बाहर आती है, तितली अंडा रखती है वो भी 20 दिन तक जिंदा रहती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अंडा रखती है। मगर शुरू कहाँ से हुआ कि जब पहली बारिश आई तभी ये सुंडी इसके अंदर गई प्यूपा में। जैसे ही बारिश आती है तो इसको पता लग जाता है कि अभी हमारा खुराक पानी तैयार होने वाला है खेतों में, अभी हम अपना जनरेशन आगे बढ़ाए। तो ये पौधा समझो आपके नॉर्थ इंडिया में गर्मी के टाइम पे कपास लगता है, गर्मी के टाइम पे, ठीक है, और बारिश पीछे से आती है। और जब भी बारिश आती है तभी तो ये सुंडी को पता चलता है कि भाई मेरा भोजन तैयार है, तभी वो बाहर निकलती है प्यूपा बना के, तितली बाहर निकलती है। तितली जब भी बाहर निकलती है तो आपके हर खेतों में फ्लावरिंग होगा, ठीक है, इसलिए आपके वहां ये सुंडी ये पिंक बोलो बढ़ने का चांस ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या किया किसानों ने, गवर्नमेंट ने मैसेज दिया, हमने बड़ा कैंपेन किया कि कोई भी किसान बरसात से पहले कपास को गर्मी में नहीं लगाए, प्री मॉनसून सोइंग नहीं करने का है, सबको बारिश के बाद में ही कॉटन लगाना है। तो बारिश में कॉटन लगाया उसमें 45 दिन के बाद में वो स्क्वेयर वगैरह आने वाले हैं, 45 से 50 दिन के बाद में स्क्वेयर निकलने वाले हैं। तो 45 से 50 दिन के जैसे बारिश हुई ये सुंडी कोसेटों में गई, 20 दिन के बाद तितली निकली, 20 दिन तक तितली घूमती फिरती रही मगर उसको एक स्क्वेयर नहीं मिला किधर भी। जितने अंडे रखे थे उसने वो सब इली निकल के मर गई। तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन, जो बारिश में कपास लगाता है ना उसके खेत में एक भी पिंक बोलबम नहीं आती है, एक भी गुलाबी सुंडी शुरू में नहीं आती है। और आपके वहां क्या होता है, शुरू से ही गुलाबी सुंडी आ जाती है।
बहुत पहले इस गुलाबी सुंडी को दिखने में आया था ना आपको, तो वो गुलाबी सुंडी फिर से बोल्स के अंदर जाएगी, 72 दिन तक रहेगी अंदर, 72 दिन के बाद में वो कोसेटो बनेगा और फिर से तितली निकलेगी, तो पीछे भी बहुत लगा आपको, क्योंकि बहुत तितलियां जो बच गई थी, एक तितली निकल के 400 अंडे रखती है, तो पहले 1000 तितलियां थी एक खेत में, तो पीछे 40,000 हो गई, 400,000 हो गई, इसलिए पीछे से उसका अटैक ज्यादा लगता है। मगर इसका बीच में, बीच के टाइम में जब बॉल सेटिंग होने का टाइम है, तभी कोई नई तितली निकलती नहीं, कोई अंडे रखते नहीं, ये क्यों? क्यों कि बरसात के बाद में ये जितनी भी सुंडी थी वो सब प्यूपा में चली जाती है, एक भी सुंडी बचती नहीं है, और सब प्यूपा में चली जाती है, तो सब प्यूपा बन गया, इस दिन के बाद सब तितलियां बाहर निकल जाती, 20 दिन के बाद सब तितलियां बाहर निकल जाती है, फिर नई सुंडी नया प्यूपा कोई बनने वाला नहीं है, 72 दिन तक इली उसके अंदर रहेगी, तो 100 दिन के बाद में फिर नई सुंडी या नए अंडे आ सकते हैं। तो बीच का जो अपना टाइम है उसमें कॉटन बॉल सेट बराबर कर लेते हैं किसान, ठीक है, थोड़ा अर्ली मैच्योरिंग जीनोटाइप लगा देते हैं, पीछे का मटेरियल उसको नहीं चाहिए, आज जैसे आपको किसानों को भी नहीं चाहिए, तो होता क्या है कि पीछे उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती नहीं है। ये साल में क्या हुआ कि आपके वहां कॉटन थोड़ा ज्यादा लंबा चल गया बरसात की वजह से, लेट बारिश की वजह से, तो आपके वहां गुलाबी सुंडी अभी तक पीछे थोड़ी मल्टीप्लाई हो गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, तो अगले साल वो थोड़ा अटैक जल्दी करेगी। तो आपको किसानों को ये बताना है, जैसे संदीप ने बताया कि वो इसको ये दवाई छिड़कना, ये दवाई छिड़कना, तो इली तो निकल के घंटे दो घंटे में अंदर चली जाती है, तो दवाई तो लगती नहीं है, ठीक है, ये इली अंदर चली जाती है, दवाई लगती नहीं है, तो दवाई से ये मरने वाली नहीं है, ये तो प्यूपा है, तो न तो खाता है न तो पीता है, इसके ऊपर कवर है, तो ये भाई कोई दवाई से मरने वाला नहीं है, कोई पक्षी खा जाएगा, खेत में बर्ड्स खाते रहते हैं, अपन ट्रैक्टर भी चलाते पीछे पीछे चलते ना, ये सब खाते रहते हैं, मगर वो भी चांस नहीं मिलेगा उसको। इसमें से ये तितली निकली, तितली भी तो कोई कपास को कोई डैमेज नहीं करती है, वो कोई बोल्स को डैमेज थोड़ी करती है तितली, ठीक है ना, तो गुलाबी सुंडी में इली भी डैमेज नहीं, इली को मार नहीं सकते हम लोग, जो डैमेज है की करती है, अंडा भी डैमेज नहीं करता है, तो इली ही डैमेज करती है, मगर वो इली अंदर चली जाती है इसलिए इसको मार नहीं सकते। ये जो प्यूपा है इसको तो हम मार ही नहीं सकते, और ये तितली जो है वो भी कुछ खाती पीती नहीं है, सिर्फ अंडा रखने के लिए ही वो आती है, और वो उड़ती रहती है, रात को ही अंडा रखती है, दिन में वो दिखती भी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए कोई दवाई कारगर नहीं है, इसके लिए है फेरोमोन ट्रैप। कुछ लगे थे इस बार हरियाणा में जो फेरोमोन ट्रैप्स है उसमें गुलाबी सुंडी की मादा में से जैसे स्मेल आता है उस तरह की ल्यूर अंदर रखी है, तो ये देखो इसके नर और मादा वो दोनों अलग अलग है, और अंधेरा है पूरी रात का, तो मादा को नर ढूंढेगा कहां से, नेचर ने कैसा खेल खेला है, देखो एक फीमेल है तो उसको मेल कैसे ढूंढेगा, तो इसकी इसके लिए फीमेल के अंदर कुछ स्मेल रखी है, वो स्मेल्स के हिसाब से मेल उसके पीछे पीछे जाएगा और वहां फीमेल को पकड़ लेगा और वहां उसका मेटिंग होगा, फिर तितली अंडे रख सकती है। तो वो स्मेल साइंटिस्ट ने क्या किया, वो स्मेल वाली टिकड़ी ल्यूर बना ली, फेरोमोन ट्रैप में रख दिया, अभी वो फेरोमोन ट्रैप में वो रखा तो सब तितलियां जो आती है तो वो मेल तितली आती है, नर आते हैं उसमें, उसमें मादा नहीं आती, ठीक है, तो नर कम होने से अपना वो उसका मेटिंग कम हो जाएगा, ऐसा इसके वजह, तो ज्यादा बहुत नंबर्स में अपन को वो फेरोमोन ट्रैप रखना पड़ता है, तितली का यही कंट्रोल है, मगर यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो,
इसके अंडे ही मारना है इन बलों में। तो अंडे कब रखता है ये तितली, वो आपके पास जानकारी हो वो टाइम पे आप स्प्रे करवाओ तो वो खेत में पिंक बॉलवर्म नहीं मिलेगी। अंडे कहाँ रखती है तितली? या तो स्क्वायर स्क्वायर या तो ऊपर करके निकलते वहां। तो वो जब भी अंडे रखती है वो टाइम पे आपको दवाई छिड़कनी है। अभी कौन सी दवाई अंडा मारती है? सच्चे इमामेंटिन और लेमडा साइड होते हैं 4.9 जो कैप्सूल का रास्ता ना बोल में जो हां वो वाला, ये जिसके पीछे जो दवाई के पीछे थ्रीन आता है, थ्रीन थ्रीन अल्फा मेथ्रीन है, लेमडा मेथ्रीन है, साइपर मेथ्रीन है, ठीक है, वो थ्रीन वाली ही दवाई अंडे मारती है और इमामेक्टिन एक अंडे मारता है। इमामेक्टिन अंडा नहीं मारता है मगर इमामेक्टिन करता क्या है देखो, वो उसका भी कमाल है। ये जो अंडा है इमामेक्टिन आपने इसके स्प्रे किया कॉटन में, ये अंडा में कुछ ना कुछ तो दवाई गिरी होगी अभी अंडे में से भी निकल के पहले खाती क्या है जो आसपास जो पहले उसका कवर ही खाती है अंडे का कवर ही ना कोई भी लिक कवर खाती है पहले, इसलिए आपको खाली कवर इधर भी नहीं दिखा होगा, ठीक है। इल्ली ने कवर खा लिया, इसके ऊपर इमामेक्टिन कुछ पड़ा है और वो छोटी सी इल्ली ने खाया वो मर गई। तो इमामेक्टिन सबसे कारगर दवाई है इसके ऊपर और वो भी 1.9% नहीं 5% वाला इमामेक्टिन आता है ना वो सबसे कारगर है। हाँ, और जैसे मुकेश भाई ने बताया कि लेमडा साइलोथ्रिन 4.9 वो क्यों कारगत है, वो इसलिए कारगत है कि उसके पीछे क्या है लेमडा साइलोथ्रिन के पीछे सीएस, वो पेस्टिसाइड बनाने की टेक्नोलॉजी क्या है इसी कोई दवाई के पीछे होता है, कोई के पीछे एसपी होता है, किसी के पीछे डब्ल्यूपी होता है, ठीक है ना, इसके पीछे एसपी होता है, एससी होता है, मगर इसके पीछे क्या है सीएस। सीएस का मतलब क्या होता है? कैप्सुलेटेड सॉल्यूशन। वो बनाना में बहुत खूबी है, तो दवाई की छोटी छोटी कैप्सूल बनी हुई है इसके अंदर सीएस में, ये लेमड़ा में 4.9 में दूसरा लेमड़ा आता है उसमें कैप्सूल नहीं है, ये सीएस लिखा है उसके उसके अंदर दवाई की छोटी छोटी कैप्सूल बनी है। आप स्प्रे करते हो तो हर जगह पे कैप्सूल जाएगी, कैप्सूल वहां पे रहेगी, कुछ कैप्सूल आज फूटेगी, कुछ कैप्सूल कल टूटेगी, कुछ कैप्सूल परसों टूटेगी, वो कैप्सूल टूटती रहेगी और पौधे के ऊपर दवाई कंटिन्यूस रहेगी 10-15 दिन तक। इसलिए कभी भी गुलाबी सुंडी अंडे रखे और अंडे में से बाहर निकलती है और खाती है तो वो मर जाती है। अंडे 99% दवाई से नहीं मरते, इसलिए कि अंडे ऐसी जगह पे ही होते हैं जहाँ पे आपके आपके वाला स्प्रे तो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा पता नहीं, फाइन स्प्रे होना चाहिए वहाँ, तो ट्रैक्टर से ही स्प्रे करते हैं, छोटा कपास में भी ट्रैक्टर से करते हैं ना, ट्रैक्टर से हाँ, तो ये ट्रैक्टर से भी जा सकता है, फाइन स्प्रे करे तो जा सकता है, क्योंकि वो भी एकदम धुआं सा स्प्रे ऐसे ऐसे पूरे खेत में फैल जाए तो धीरे धीरे स्लोली वो किधर भी बैठता है ना, जा सकता है, मगर सही टाइम दवाई छिड़कने का ये है, ये ऐसी दवाई इवरमेक्टिन या तो लेमडा साइलोथ्रिन बरसात के बाद में 10 दिन के बाद में पहला स्प्रे करो, फिर 8-10 दिन के बाद में दूसरा करो, फिर तीसरा स्प्रे करो। शुरू में 3 स्प्रे कर दिया आपने, बरसात आज बरसात हुई आपके गांव में तो 10 दिन के बाद से स्प्रे चालू करो, 3 स्प्रे कर दो 30-40 दिन कवर हो जाता है, उसी टाइम में सुंडी निकल के उसकी लाइफ साइकिल पूरी करके फिर इल्ली बनने को जाती है, मतलब इल्ली को रहना है अंदर। इसके पहले तो हम लोगों ने उसको अंडे मार दिया, छोटी इल्ली मार दिया तो आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए बोलगर टू अभी जो अपना कॉटन है वो कोई भी किसान लगाता है तो उसको बोलो कि ये शेड्यूल है बरसात के बाद में, या तो फ्लावरिंग स्टेज जैसे भी आता है,
फ्लावरिंग स्टेज आ गया तो ये दवाई शुरू कर दो इमामेक्टिन, अच्छी कंपनी का एक स्प्रे इमामेक्टिन का करो, दूसरा लेबड़ा का करो, तीसरा फिर से इमामेक्टिन का करो, इमामेक्टिन के साथ में और मिक्स करो, लगता है तो कोई भी सिंथेटिक पायरेट करो, वो तीन स्प्रे शुरू में आप कर दो, गुलाबी सुंडी सब खत्म हो जाएगी 99%, कुछ ही बचेगी। तो आपका खेत में वो गुलाबी सुंडी बॉल्स के अंदर गई नहीं, इसके 72 दिन के बाद में बाहर निकलने वाली नहीं है, तो पिछला अटैक भी आपके खेत में आने का बहुत कम चांस है, और पिछला अटैक आए तब तक तो आपका कपास निकालने का टाइम हो जाता है, आपको मैच्योरिटी पे आ जाता है। मगर ये चीज जो है ना, ये न तो कोई समझा है न तो किसी ने समझाया है किसान को सही ढंग से, और यहाँ के हर एक किसान जानता है, यहाँ का हर एक किसान जानता है ये चीज, यहाँ का हर एक किसान बरसात से पहले कपास नहीं लगा, यही चीज महाराष्ट्र में भी आजकल अमली हो गई, यही चीज मध्य प्रदेश में भी अमली हो गई, तो लोगों ने बताया राजस्थान के किसानों को मालूम होगा काफी चीज बोलो आगे। तो अभी इसकी लाइफ साइकिल जो है, ये लाइफ साइकिल समझो, दुश्मन को जानना है तो दुश्मन की दिनचर्या क्या होती है, सबक कब उठता है, कब जाता है, किधर जाता है, हमको वार करना है तो कहाँ छुप के कर सकते हैं, वो वहां से निकलने वाला है, वही हिसाब से तीन बोलों में वार करना पड़ता है। और ये जो फेरोमोन ट्रैप है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप आपके खेत में लगा लो, कपास निकलने के बाद में 20 दिन के बाद में सोचकर ये फेरोमोन ट्रैप लगवाओ। ये फेरोमोन ट्रैप में कोई तितली आती है तो समझ लेना आपके खेत में अंडा रखने का चालू हो गया है। जब तक कोई तितली इसके अंदर नहीं आती है तब तक आपके खेत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अंडा कोई नहीं रख रहा है। इसलिए ये क्या है कि आपके लिए एक इंडिकेशन है, और कुछ गांव के दोस्तों को मिलो और उस सभी को बताओ कि कुछ दो दो पांच पांच फेरोमोन ट्रैप आप लगाओ, और किसी एक में भी आ गया तो समझ लो कि अभी आने वाली है, तो लो दवाई आप इमामेक्टिन या तो लेबड़ा साइलोथ्रिन या तो साइपरमेथ्रिन सब चालू कर दो वन बाय वन, इजी कंट्रोल मिलता है। पिछले स्टेज पे जैसे संदीप ने बताया, जो नरमा बहुत सुंदर है, मतलब खुमास एट्रैक्टिव है, गुलाबी वो तितली उसमें ही जाके अंडा रखती है, वो सोचती है कि इसमें मेरा जनरेशन आगे बढ़ सकता है, ये कपास अभी जिंदा रहने वाला है। मगर जो नरमा को पानी कम दिया है वो नरमा एट्रैक्टिव नहीं है, उस पर गुलाबी सुंडी की तितली अंडा नहीं रखती है, और इसलिए जिसमें पानी नहीं है बिन पियत है वैसे नरमे में गुलाबी सुंडी नहीं आती है, तो कम आती है, समझे ना। तो ये भी पिछला मैनेजमेंट है, और बहुत कच्चे बोल्स है और तितलियां वहाँ फेरोमोन ट्रैप में आने लगी है दूसरे टाइम, तभी फिर से इमामेक्टिन और लैम्ब्डा साइलोथ्रिन वगैरह का स्प्रे करो पिछले लाइफ में, अभी बोल कच्चे है। तो पिछले टाइम में कच्चे बोल का इतनी नंबर्स होता है, इसलिए गुलाबी सुंडी की तितली सीधे बोल्स में ही अंडे करती है, और बोल्स में ऐसे इली निकल के अंडे में से इली निकल के सीधी बोल्स के अंदर घुस जाती है, इसलिए पिछले टाइम पे फूल में नहीं दिखती, वो पहले फूल जो बंद रहता है जिसके अंदर होती है वो फूल ऊपर से ऐसा रोजेटेड रहता है ऐसा, तो आपको समझ में आ जाता है ऐसा फूल देखा तो उसके अंदर गुलाबी सुंडी होगी, दूसरी कोई सुंडी है तो फूल ऐसा नहीं होता है, गुलाबी होती है तभी ऐसा होता है, नेचर उसको प्रोटेक्ट करता है। ये हर एक इली के लिए लाइफ साइकिल एक ही है, मगर हर एक का टाइम है। ये गुलाबी सुंडी सिर्फ कॉटन को ही खाती है, बाकी जैसे हरी सुंडी है तो किसी को भी खाती है, तो लश्करी को क्या बोलते हैं प्रोटीनिया, प्रोटीनिया कोई भी जो आता है सबको खाती जाती है। मगर ये सभी सुंडी का यही जीवन चक्र है, गुलाबी सुंडी का एक ही फर्क है कि ये सुंडी जो है ना वो ओसेटो में नहीं चली जाती जब फसल नहीं होती, तो ये सुंडी ही रहती है। आपको मेडक के बारे में पता है, मेडक जी पहली बारिश होने के बाद में इमीडिएट पानी गिरता है, रात थोड़ा पानी भर जाता तो रात को सीधे ही मेडक कहाँ से ड्राउंड 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 करके आवाज आती है, कहाँ से आते हैं वो सब मेडक, बरसाती मेंढक है, बरसाती मेंढक
बरसात ही बैठे था, तब तक कहाँ थे वो? वो कहीं ना कहीं थे, जैसे उनको बारिश का पानी आता है, उनको पता चल जाता है कि वहाँ बारिश मार स्टार्ट कर देते, तो वो उस वजह से बोलना स्टार्ट कर। सोई हुई है और खाया पिए बगैर 12 महीना वो ऐसे रह सकती है। अभी जब बारिश आती है तो इसमें से बाहर निकल के फिर पीपा में जाती है, पीपा में उसको 20 दिन लगता है, इसलिए बारिश के बाद में 20 दिन में तितली बन के बाहर आती है, तभी वो अंडे रखना शुरू करती है। तो बारिश के बाद में 20 दिन पे दवाई का स्प्रे चालू करते हैं, ठीक है? तो आपको कोई गुलामी सुनने की तकलीफ नहीं रहेगी। अच्छा, आपका एरिया थोड़ा डिफरेंट है, कुछ तितलियां पानी से भी, पानी के टच में भी आएगी, कुछ सुंडी जमीन में जो जैसे सोई है तो वो पहले भी निकल सकती है। तो सबसे बेस्ट नॉर्थ इंडिया के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप फेरोमोन ट्रैप रखो, ठीक है? रोजेटेड उसका इंतजार करोगे, ऐसे फ्लावर्स देखो तो समझ लो कि इसमें सुंडी है, मगर ऐसा इंतजार करोगे तब तक तो कई अंडे रख दिया होगा, ये तो इली बन गई और तब रोजेटेड बना है। तो आपको ये करना है कि सिर्फ फेरोमोन ट्रैप लगाना है। फेरोमोन ट्रैप में सोई के बाद में 20 दिन पे फेरोमोन ट्रैप लगा दो। फेरोमोन ट्रैप में जब भी तितली आती है किसान को बोलो तब दवाई आ जाए, अंडे ही मारना है, इली नहीं मरेगी, और अंडनाशक दवाइयाँ जो है वो लगाना है। ये कितने लगाना चाहिए एक एकड़ के अंदर फेरोमोन ट्रैप? एक लगाना चाहिए एक, अगर आपने दो चार भी लगा लिया, दो भी लगाया ना, तो कम से कम आपको पता तो चलेगा, एक से तो कंट्रोल भी लगा। पर वो लगाना है आपको जेंट सेट में, और लगाने से पहले पूरा हाथ धो देने का, नहीं तो तंबाकू वाला होगा, बीड़ी वाला होगा, तो वो साला उसकी स्मेल आ जाएगी उसमें, तितली को वो पोल्यूर को पकड़ोगे आप तो उस पर स्मेल बैठ जाएगी, हाथ पूरा धोने का। एक दूसरा फार्मर को ये नॉलेज देना है आपको कि पौधा आपका जितना है ना फेरोमोन ट्रैप लगाओ आधा फीट से ऊपर लगाना है, सिर्फ आधा फीट ऊपर लगाना है, उससे ज्यादा लगाया होगा ना तो उसमें तितली नहीं आएगी। एक फीट का पौधा तो अपने को डेढ़ फीट लगाना है, जैसे पौधा बढ़ा जाए तो होता जाता है ऊपर लेते जाए, लेकिन पौधे से सिर्फ आधा फीट ऊपर लगाना, नहीं तो तितली अंदर नहीं आएगी।